हेलो गाइस, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, थैंक यू। तो सर ये हम आ गए हैं हाउ टू चेक डेकिन एरर कोड बाय रिमोट। तो ये हमारा कैसेट यूनिट लगा हुआ है, इसमें एरर आ रहा है तो हम रिमोट से चेक करेंगे। पहले हमें आई बटन को दबाना होता है, प्रेस करके रखना पड़ता है, तो फिर इसमें डिस्प्ले में 00 ब्लिंक आ जाती है। फिर एक बार और आई प्रेस करते हैं तो इसमें हमारा कोड आ जाता है, कोड वाली जो 20 है ना, इस पर हमारा आ जाता है। फिर हमें मशीन को कोड चेक करने के लिए कि हमारा कोड क्या आ रहा है, A1 या A2 या A3, तो पहला मोड हम जब इसको दबाते हैं तो पहली 0 बिलिंग करती है। पहली 0 बिलिंग कर रही है, देखो इससे हमारी होती है कि हमारे कोड का पहला अक्षर हमें शो करेगा कि इसमें क्या कोड है। जैसे हम ये अप वाली बटन दबाएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा, ये आ रहा है ना A0 आ रहा है। तो इसका जहाँ पे बीप, मतलब तीन बीप आती हैं, जहाँ पे सिंगल बीप आएगी तो वहाँ मतलब इस एरर का पहला अक्षर होगा। जैसे ये देखो तेरी बीप आ रही है, ऐसे हम बार बार इसको प्रेस करते रहते हैं, जो इसमें एरर कोड होगा वो हमारा डिस्प्ले पे शो करेगा। देखो इस पे डबल डबल बीप आई है, तो इसका मतलब कि हमारा एरर कोड का पहला वो मिल गया है कि हमारा पी से स्टार्ट हो रहा है कोड। फिर एक बार फिर दोबारा 0 बिलिंग करने के लिए मोड की बटन दबानी पड़ती है। ये दूसरी 0 बिलिंग करने लगी। अब फिर हम ये सेलेक्ट वाली जो बटन है इसको अप वाली बटन को दबाते रहते हैं, जिससे हमारा एरर कोड का दूसरा अक्षर पता लग जाता है। जहाँ पे हमारी लंबी बीप आएगी वो हमारे एरर कोड हो जाता है, जैसे P4 आ गया, P5 आ गया, P6 आ गया, P7 आ गया, P8 आ गया, P9 आई, इस पर हमारी लंबी बीप आई है, तो इसका मतलब कि हमारे मशीन की जो कोड है ना वो P9 है। तो अब इससे हमें पता लगता है कि मशीन में क्या प्रॉब्लम है। इसके लिए हम फिर कोड का सारा वो डेटा चेक करते हैं इस मशीन में क्या प्रॉब्लम। ठीक, ओके जी, थैंक यू।